मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्याज पर। ये वो प्याज है जो कई बार सरकारों के आंसू भी निकाल चुकी है। आज हम बात करेंगे संतोष एंड संस के सबसे बड़े व्यापारी संतोष जी से। संतोष जी बताइए, इस बार प्याज के क्या रेट चल रहे हैं? प्याज अभी बिक रही है यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 17-18 रुपए तक। ये माल आ रहा है अभी जलगांव, नासिक, खंडवा, इंदौर और नागपुर से। इसकी आवक कैसी है? आवक यहाँ पर बहुत कम है अभी। अभी क्या है, लोकल माल आएगा तो उसके बाद जो लोकल छिंदवाड़ा प्रॉपर माल आएगा उसमें थोड़ा सा आवक बढ़ेगी। आवक यहाँ पर क्या मुश्किल से 1-2 गाड़ी का आवक हो रही है अभी यहाँ पर, क्योंकि बिक्री बहुत धीमी गति से चल रही है यहाँ पर। जिस तरीके से उठाव होना चाहिए उस तरीके से उठाव नहीं है। आने वाले समय में जो किसान का लोकल प्रॉपर माल आएगा जो जून में, अप्रैल मई जून में, उस समय में ऐसा रहेगा कि जो फसल है उनकी जो अभी पैदावारी हुई है, उनकी है लगान हुई है, उसमें से बहुत सा माल उनका जो रोपा वगैरह बोलते हैं उसको रोपण किया है उन्होंने, वो बैठ चुका है हुआ बारिश के कारण। तो आगामी समय में ऐसा लग रहा है कि, अनुभव बता रहा हूँ मैं अपना, कि प्याज की आने उत्पादन में कमी रहेगी और मांग में भी वृद्धि होगी और भाव में भी वृद्धि रहेगी। यानी कि जिन किसानों के पास प्याज है आने वाले समय में उन्हें अच्छा दाम मिलने की उम्मीद है। हाँ, आने वाले समय में जिसकी पैदावार अच्छी होगी उनको, किसानों को माने उत्पादन में उनको भाव अच्छा मिलेगा। अपने यहाँ से कहाँ कहाँ प्याज सप्लाई होती है? अपने यहाँ से लोकल में जब माल आता है तो यहाँ से अपना है महाराष्ट्र जाता है, छत्तीसगढ़ जाता है, बाकी लोकल प्रॉपर में ज्यादा माल है। किस तरीके की प्याज अपने यहाँ पे होती है? अपने यहाँ का उत्पादन जैसा नासिक का उत्पादन है वैसा अपने यहाँ भी होता है। इसमें भी कोई वैरायटी होती है? हाँ, वैरायटी नहीं, सब सेम सेम होती है। 19-20 तो माल पैदावार जैसा किसान करता वैसा होती है, तब आता है यहाँ पर। गोल्टी बारीक भी आता, मोटा भी आता, अच्छा भी आता, बुरा भी आता, सब आता। बारिश की वजह से जो नुकसान है, हाँ हाँ, तो बारिश की वजह से समझ लें कि अपने आने वाले समय में दाम बढ़ेंगे। हाँ, दाम बढ़ेंगे, भाव में कीमती आएगी, कीमत बढ़ेंगे उसमें। किसानों का जो उत्पादन है, अभी भी जो बीच में बारिश हो चुकी है उनके बहुत से खेतों के खेत किसान बताते कि हमारा बहुत सी फसल बैठ चुकी है, यानी जो 90% से उसमें 100% में से समझो कि किसी के पास 20%, 25%, 40% तक बचा पाया, उसके बाद वो बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी पाला जो उनका अनेक खराब हो जा रहा है खेतों में। तो प्याज के किसानों के लिए आने वाला समय अच्छा हो सकता है, बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है शायद उसकी भरपाई हो जाए। मार्केट टाइम टीवी से मुकेश सोनी छिंदवाड़ा। और प्याज भी आप प्याज भी आज बाजार अच्छे थे, 17-18 हजार तक ली मैंने। अच्छा, मतलब 1800 रुपए क्विंटल तक भी लिया प्याज हमने, लिया खुद ने। तो आगे प्याज का जैसा प्याज का भविष्य बहुत अच्छा है। ये 1 महीना डाउन रहेगा फिर आगे बढ़ेगा बाजार, आगे बढ़ेगा। तो ये क्या कारण है कि डाउन रहेगा उसके बाद में फिर से थोड़ा आगे जो उछल आएगा उसका? अभी अराइवल्स ज्यादा है, लोकल प्याज बिहार में चल रहा है, लोकल ज्यादा आ रहा ना, वहाँ डिमांड नहीं है, डिमांड बढ़ते ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो आगे प्याज का भविष्य भी अच्छा है। अच्छा, लहसुन का भी अच्छा। निखिल जी हमसे बात करने के लिए मार्केट टाइम में, सर आपका स्वागत है। प्याज की क्या हालात है इस टाइम पे? अभी प्याज के देखे गए तो जो इस साल अगले पिछले साल जो सूखा पड़ा था उसके वजह से किसान बहुत परेशानियाँ है कि अपने प्याज को भाव नहीं मिल रहा, सरकार भी कोई अच्छे दाम नहीं दे रही। अभी हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि आप जो नाफेड के माध्यम से जो प्याज खरीदने वाले हैं उससे अच्छा से अच्छा आप भाव देने की दीजिए, देने का कोशिश कीजिए, और हम जैसे व्यापारी हो और जो किसान है उनको राहत मिले ऐसा कुछ काम करो। अभी प्याज के क्या दाम है? अभी प्याज का दाम 2400 रुपये, 2000 रुपये इस वक्त क्विंटल चल रहा है, लेकिन हमारी मांगनी है कि वो कम से कम 3000-3500 रुपये तक जाना चाहिए। जैसा कि रंग पंचमी के बाद आज मार्केट खुला तो इसमें थोड़ा सा भाव बढ़े 100-200 रुपए, तो इससे क्या किसानों में फर्क पड़ता है? अभी आपके चैनल से हम वही दरखास्त सरकार से करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दाम बढ़ना चाहिए, आप भी आपके माध्यम से सरकार को प्रेशर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दाम किसान को और व्यापारी को मिलवा दीजिए। क्या प्याज का असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा? सच्ची में दिखेगा, कि किसान जो है वो बहुत परेशानियों में, एक तो सूखा पड़ा हुआ है, पानी की कमतरता है और हर जगह प्याज को भाव नहीं मिल रहा, तो इसके वजह से वो जो किसान जो है
वो सरकार को सवाल पूछेंगे आने वाले चुनाव में, जो प्रचार करने के लिए घर पे आएंगे तो किसान सब जन सवाल पूछेंगे कि आप भाव दीजिए। इसके ऊपर 100% सरकार पे गिरेगा और आने वाले चुनाव पे गिरेंगे। नासिक प्याज मंडी से संदीप द्विवेदी, मार्केट टाइम टीवी, नासिक।